अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर खान जेड नौ में आप सभी का इस्तकबाल वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेहरू ऑडिटोरियम मदीना एजुकेशन ऑडिटोरियम के पास। यहाँ पर 22 दिसंबर 2021 बरोज़ चारशंबा को जनाब सैयद विकार साहब की ताज़ियत के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर एक खराज अकीदत के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। तो इसमें आप लोग तमाम इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ और तमाम सियासी जमात से और सहाफ़ियत और तमाम आवाम से भी गुजारिश की जाती है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, ताकि जो मरहूम हैं उनको उनकी दुआ मगफरत के लिए आप लोग भी शिरकत फरमाएं। आइए, इसी ज़मन में कुछ और हमारे साथी, कुछ और सियासी लीडरान हैं, वो भी आप तक अपील पहुँचाना चाहते हैं। तो वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से अली जनाब विकारुद्दीन साहब के एक ताज़ियती प्रोग्राम जो इसी ऑडिटोरियम के अंदर मुनक़िद होने जा रहा है, मदीना एजुकेशन सेंटर जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम के अंदर मुनक़िद होने जा रहा है। और यह 22 तारीख के प्रोग्राम के लिए बराए मेहरबानी मैं तमाम ऐसे उम्मत के, ख़ास तौर पे एक मर्द मुजाहिद के लिए आप तमाम का दिल धड़कना चाहिए और उन्हें खिदमत पेश करने के लिए आप तमाम के तमाम यहाँ पर जमा होंगे। हम यकीन है कि 2 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, शाम में 22 चारशंबे के दिन में 2 बजे से ये प्रोग्राम चालू होगा और मैं समझता हूँ 5 बजे तक ये दौरान रहेगा। इसमें तमाम सियासी जमात से वाबस्ता लीडर्स, हमारे मिनिस्टर्स और सहाफ़ी हजरात इसमें आएंगे और आप तमाम भी आकर ख़ास तौर पे एक मर्द मुजाहिद को जो हैदराबाद के लिए बड़ी खिदमत है जिनकी, उनके लिए आप तमाम के तमाम यहाँ हाज़िर हो और ये प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ। 22 तारीख के दिन हैदराबाद वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद दक्कन की एक मायना शख्सियत अली जनाब मरहूम सैयद विकारुद्दीन खादरी साहब के लिए, जिनका इंतकाल हो चुका है तवील अलाज़ के बाद, ये एक ऐसी शख्सियत थे, ये यकीनन एक मुसलमानों की हमदर्द शख्सियत थे। हैदराबाद दक्कन से लेकर फ़लस्तीन तक आपकी जो एक खिदमत थी मुसलमानों के लिए और एक अजीम ख़्वाहिश से आज हैदराबाद की आवाम, फ़लस्तीन की आवाम महरूम हो चुकी है। इसी ज़िमन में सहाफ़ियों में भी एक काफ़ी सहाफ़ती हलकों में भी काफ़ी गमो उसकी लहर जो है चल रही है, क्योंकि विकारुद्दीन साहब का इस दुनिया से चले जाना ये यकीनन दक्कन की सहाफ़त के लिए एक जो है नुकसान है। तो इसी ज़िमन में उनकी दुआए मगफ़रत के लिए एक उनकी मगफ़रत के लिए दुआए जो है मगफ़रत करने के लिए खराज अकीदत का प्रोग्राम आज 22 तारीख के दिन यहाँ पर मदीना एजुकेशन सेंटर में रखा गया है। मैं आप तमाम हजरात से ख्वाहिश करता हूँ कि अजीम क़ायद को खराज अकीदत पेश करने के लिए, जिसके अंदर तमाम तर सियासी समाजी मजहबी क़ायदीन शिरकत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी रहेंगे, तो मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और इस अजीम क़ायद को जो है मुसलमानों के खराज अकीदत पेश करें। शुक्रिया।